हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कारामाजू सरकारी नौकरी में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट नंबर 12 और जिसका नाम है कैथल। दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक HSC ग्रुप डी और पुलिस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये नाम से आप मत जाएं, क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हरियाणा में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से हरियाणा जीत के तो 25% की आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके 25 में से मिनिमम कम से कम या मैक्स में से 23 या 24 क्वेश्चन ठीक हों। तो मैं यहाँ पर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट मिसलेनियस क्वेश्चन, करंट अफेयर और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट नंबर 12 जिसकी संख्या है कैथल। इससे पहले मैं 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उनको देख पाएंगे। तो स्टार्ट, कैथल का जो जन्म हुआ था 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके इसको बनाया गया था। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ, 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बने थे, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल। आज ही दोस्तों हरियाणा का जन्मदिवस है, तो कारामाजू सरकारी नौकरी की तरफ से आप सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में बड़े उठे और एक बड़े व्यक्ति बने। थैंक यू दोस्तों। बड़े व्यक्ति कब बनोगे? जब पढ़ाई करके अपनी एक अच्छी जॉब, एक अच्छी मैनेजमेंट अपने आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट, कैथल पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। नेक्स्ट, कैथल को हनुमान का जन्म स्थल भी माना जाता है या कि नहरों से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसका प्राचीन नाम कपिस्थल था। दोस्तों, ये कपिस्थल कहलाए थे, ये हरियाणा पुलिस में आ चुका है। हरियाणा में एग्जाम रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, और अगर दोस्तों एक दो क्वेश्चन हमारे डिस्ट्रिक्ट से न आकर कहीं बाहर से आया तो उसको भी हम आपके कवर करवा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हम 100 मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कवर अप हो जाएंगे। और हरियाणा की करंट अफेयर पे भी हम वीडियो डालते हैं, उन्हें ज़रूर देखें। यहाँ के प्रमुख नगर की बात करूँ तो चीका, पुंडरी, कलायत, गुलाह, राजौंद। कैथल का जो गुरुद्वारा है, कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट, कैथल NH-65, दोस्तों ये सभी जो नेशनल हाईवे हैं ये बदल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख पाएंगे। नेक्स्ट, कैथल में नवग्रह कुंड, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पानीपत कलायत में कपिल मुनि का आश्रम था। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल पुंडरी। दोस्तों, पुंडरी और पुंडरिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पुंडरी है वो कैथल में है, ठीक है, कोयल फरल। नेक्स्ट, कैथल में मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। और ये एक क्वेश्चन दोस्तों जो HSC का लैब असिस्टेंट है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो कि 14 अक्टूबर को हुआ था एग्जाम। वो कैथल का विद्रोह 1843 में, इसका नेतृत्व करता था गुलाब सिंह और साहिब कौर। नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ? ये कैथल में है। गुरुद्वारा नीब साहिब ये कहाँ है? प्रताप गेट कैथल। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर यहाँ रुके थे। नेक्स्ट, गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में, ये पूछ लिया गया है दोस्तों। ये सभी एग्ज़ाम जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, वीडियो शेयर करते हैं तो मेरा इससे मोटिवेटेड होता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी मेहनत की जो कीमत मिल रही है, बस आप शेयर कर दीजिए। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा, बदले में आपको एक अच्छी अच्छी वीडियो दे रहा हूँ, बस मैं इतना ही सहयोग मांगता हूँ आपसे कि वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, टोपियो वाला जो कैथल, शाह कमाल की मज़ार कैथल, प्राचीन आरनोली का किला है कैथल। नेक्स्ट, 1530 में कैथल के सरदार मोहन सिंह ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट, कैथल में 98 किस्म की चावल मिलते हैं, जो कि चावल का
कटोरा किसे कहा जाता अपना दान का कटोरा, वो करनाल। लेकिन इसकी किस्म है दोस्तों वो कैथल में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। मैं एक फैक्ट बताऊंगा, ये ऐसा नहीं कि पढ़ के हर कोई बता दे, ये तो आप भी बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, कुछ फैक्ट हैं वो ज़रूर बताऊंगा। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, इसे सानेसर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका नाम सानेसर भी ऑप्शन में आ जाए तो आपको बिल्कुल लगा देना है। यहाँ हिरण पाए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1998, और ये दोस्तों सबसे बड़ा भी है। प्राचीन स्थल अंजनी का टीला, हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला एक दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर है ये? कैथल में है। नवग्रह कुंड, इसकी स्थापना महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के हाथों करवाई। इन्हीं कुंडों के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह उसको कैथल को, और वैसे छोटी काशी है कौन सी? हरियाणा की काशी कौन सी है? भिवानी। तो दोस्तों मेरा एग्जाम में गलत हो चुका है क्वेश्चन, कि मैं जो छोटी काशी थी हरियाणा की छोटी काशी वो कैथल कराया, बाकी हरियाणा की छोटी काशी वो कैथल है। छोटी काशी हरियाणा की खाली काशी आ जाए तो भिवानी, ठीक है दोस्तों। इस वन में पांडवों के वंशज अधिसोम ने 2 वर्ष तक तप किया था। पुंडरिक तीर्थ, हरियाणा के पुंडरी नामक कस्बे में मान्यता है कि इस विशाल सरोवर का जल कभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यह शिव मंदिर है। तो दोस्तों इसमें सतयुग से लेके अब तक जल समाप्त नहीं हुआ, ये एक अवधारणा है, एग्जामों में लिखा है दोस्तों, मैंने तो देखा नहीं है, ठीक है। बाकी आप किसी बुक में लीजिए, हमने बुकों पर भी वीडियो बनाई है, आप उन्हें ज़रूर देखें दोस्तों। आप यूट्यूब से अगर पढ़ाई करते हैं तो उस चीज़ को जानिए, वो चीज़ है क्या रियलिटी में। मेरे कई से दोस्त यूट्यूबर हैं जो अपने कुछ फ़ायदे के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों। आपको हम यहाँ इन्फॉर्मेशन डालते चेक करके देते हैं, साइट पर जाके देते हैं। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान का मकबरा, मृत्यु 13 नवंबर 1240 को, रजिया दिल्ली की पहली शासिका थी, यह इलातुत की बेटी थी। अकबर ने इसकी कब्र को दोबारा बनवाया। नेक्स्ट, यह विंध कायार झील, इसका प्राचीन समय में नाम बृद केदार तीर्थ हुआ करता था। यहाँ के प्रमुख मंदिर 11 रुद्र शिव मंदिर कैथल में है, राधे श्याम मंदिर पुंडरी। नेक्स्ट, कैथल में बने मंदिर का वास्तुशास्त्र अजंता एलारा की गुफाओं से मेल खाता है। अब बात करूँगा दोस्तों यहाँ के प्रमुख मेले के बारे में, तो फाल्गुन का मेला फरल गाँव में, दोस्तों कम से कम 10-20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ आप से पक्के कर लीजिए। आपको ये पुंडर, ये भी पुंडरी में मेला देहाती, ये बाबा लंदाण की स्मृति में लगता है, और ये कहाँ कैथल में। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति पर बात करूँगा दोस्तों, कंवल हरियाणवी, बलवंत सहगल बालीबाल का ये प्लेयर है। विधानसभा क्षेत्र, कलायत से जैपी, कैथल से रणदीप सिंह सूरजवाला, गुल्ला से कुलवंत बाजीगर, और पुंडरिक से विनेश कौशिक। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, हमारी कैथल समाप्त हुआ। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मॉक टेस्ट में आपके जो कसर है वो कवर अप हो जाएगी। 100 मॉक टेस्ट में आपके 3000 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। हम समय समय पर डालते हैं यहाँ पर हरियाणा जॉब से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती से रिलेटेड हर वो जानकारी जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। कि हमने दोस्तों ALP ग्रुप डी का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मैं कराऊंगा NCERT बुक से क्वेश्चन, और NCERT बुक से हर एग्ज़ाम के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, एंड हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।